हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ी थी और मैंने आप सबको घर से पढ़ के आने के लिए कहा था। क्या आप सब पढ़ के आए हैं? हाँ, मुझे यकीन है आप सब पढ़ के आए होंगे। आज इस वीडियो में हम उस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू समवंस फ्रेंड। ऐसा क्या है जो आपको दूसरों का फ्रेंड बनाता है? जिसका आंसर है, द विल टू गिव और लेंड विल मेक यू समवंस फ्रेंड। देने लेने की इच्छा शक्ति ही आपको दूसरों का दोस्त बना देगी, यानी किसी को बिना सोचे समझे कुछ देना लेना ही हमें उनका दोस्त बनाता है, उनका फ्रेंड बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी टू ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड। एक दोस्त के किन्हीं दो कर्तव्यों के बारे में बताओ या बताइए। जिसका आंसर है, द टू ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड आर, एक फ्रेंड के दो कर्तव्य हैं। फर्स्ट, इग्नोर स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। एंड सेकेंड, रिस्पेक्टिंग द ऑनेस्टी ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की ईमानदारी का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अनदर वर्ड फॉर अनबीफ्रेंडेड। अनबीफ्रेंडेड की जगह कोई और वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो। जिसका आंसर है, कंपेनियनलेस, यानी जिसका कोई साथी या कोई फ्रेंड नहीं हो। आप और भी वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका मीनिंग सेम हो, अनबीफ्रेंडेड की तरह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विद इन सेकेंड स्टेंजा। पोएट सेकेंड स्टेंजा में फ्रेंडशिप की तुलना किससे कर रहे हैं? इसका आंसर है, इन द सेकेंड स्टेंजा पोएट कंपेयर्स फ्रेंडशिप विद द ग्लोरी। पोएट सेकेंड स्टेंजा में फ्रेंडशिप की तुलना ग्लोरी यानी शोभा से करते हैं। पोएट बताना चाह रहे हैं कि दोस्ती यानी फ्रेंडशिप के लिए किसी शानो शौकत की जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेबर एंड अ फ्रेंड। एक नेबर यानी एक पड़ोसी और एक फ्रेंड के बीच में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर है, इफ वी हेल्प आवर नेबर्स देन दे विल बिकम आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड नेबर में यही डिफरेंस है कि पड़ोसी तो नॉर्मली हमारे को जानते ही हैं, पर जब हम उनकी हेल्प करते हैं या वो हमारी हेल्प करते हैं तो वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस। आप एक राजकुमार से ज्यादा अमीर हो सकते हैं? इसका आंसर है, इफ यू बिकम समवंस फ्रेंड देन यू आर रिचर देन इवन अ प्रिंस। अगर आप किसी के अच्छे दोस्त बन जाएं तो आप एक राजकुमार से भी अधिक अमीर हो सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए एक बार घर जाके फिर से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।